नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्जाम यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक बहुत गंभीर टॉपिक है। इंडिया में इतने सारे स्टूडेंट हैं, इतनी फैमिलीज हैं, सब लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, चाहे लड़की हो या लड़की हो या लड़का हो, चाहे इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो, सभी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जाते। पर गवर्नमेंट का हाल क्या है वो डेटा मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आपकी प्रियंका गांधी, सभी लोगों ने शेयर किया डेटा और धूम धड़ाके से वो डेटा शेयर हो रहा है। कैसे वैकेंसीज आपकी डे बाय डे डिक्रीज होती जाती रही है। जहां आपकी वैकेंसीज की नीडेड थी वहां वैकेंसी को डिक्रीज कर दिया गया है। तो स्वागत है आप लोगों का टेक्निकल में। तो पहले नंबर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पीडीएफ मैं टेलीग्राम में टेक्निकल अंडरस्कोर एग्जाम वन में डालूंगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं बीएसएनएल। बीएसएनएल एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट कंपनी है, टेली कम्युनिकेशन की वैकेंसी है। इंडिया में ऑलमोस्ट बीएसएनएल की बात किया जाए सभी स्टेट और यूटी में मिलते हैं। बट बीएसएनएल पे हाल क्या है, ना आपके पास बीएसएनएल में 4G सही से है, आपके पास ना 3G सही से है, और बहुत जगह तो BSNL 3G क्या 2G भी नहीं चलता है। ये हाल है। इसमें गवर्नमेंट का क्यों ऐसा हाल हुआ? देखो, गवर्नमेंट के पास क्या, आप जाओगे जब BSNL के ऑफिस में जाओगे, ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए, कुछ चीजें जो कर ही नहीं सकते हैं, आपको टेक्नोलॉजी एडवांस क्या ही नहीं। अब BSNL में और डे बाय डे क्या हुआ, एम्प्लॉय की जो होती है वैकेंसीज के तौर पर फिल हुए ही नहीं, तो कैसे वो 4G और 5G पे काम करेंगे। और अब जो भी है 5G स्पेक्ट्रम देखो प्राइवेट कंपनी के हाथों चली गई है। अब प्राइवेट कंपनियां काम करेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और भी नहीं। अभी देखो कितना वैकेंसी डिक्रीज हो गई है, आप देख सकते हो 181,127 वैकेंसी जो है बीएसएनएल से, मतलब कह सको निकाल दिया गया या खाली है, मतलब जो रिटायर्ड ऑफिसर हो गए, जैसे बीएसएनएल में एकदम रिटायर्ड ऑफिसर हो गए, उसको दोबारा फिल हुआ ही नहीं। चाहे आप क्या है जेई की बात कर लो, जीटीओ की बात कर लो, या टॉप लेवल पे आप इंजीनियरिंग फील्ड में या नॉन इंजीनियरिंग फील्ड में, हुआ ही नहीं वैकेंसी। तो ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात है बीएसएनएल के साथ। बीएसएनएल एक बहुत बड़ी संस्था है, इंडिया की गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है। उसके बाद अगला जो है सेल एक पीएसयूज कंपनी है, जो कह सकते हो पब्लिक सेक्टर कंपनी है। पीएसयूज में क्या होता है, 50% वन शेयर मिनिमम गवर्नमेंट को होता है, बाकी 49% शेयर होल्डर का होता है, डिफरेंट चीजों को लेकर होता है। तो 51% मिनिमम होना चाहिए आप किसी भी पीएसयूज के अंदर। तो सेल की वैकेंसी जो देखो, कोई वैकेंसी एकदम नहीं आती है। सेल में भी क्या हुआ, स्टील प्लांट एकदम पता नहीं क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, आई डोंट नो। इसमें में से 61,928 वैकेंसी को मतलब खत्म हो गई है, मतलब खत्म कह दो, मतलब खाली पड़ी है, खत्म हो गई, जो समझ लो, इस पे कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। उसके बाद MTNL एक भी बहुत बंपर, ये भी टेलीकम्युनिकेशन के अंडर ही काम करती है, और इसमें देखोगे तो 34,997 वैकेंसीज को निकाल दिया गया, फिल ही नहीं हुआ, मतलब खत्म कर दिया गया है, एंड कर दिया भैया, अब इस पे हम लोग किसी भी इंजीनियर को नॉन इंजीनियर को फॉर्म नहीं फिल करेंगे, ये गवर्नमेंट का खेल है। FCI एक सेंट्रल जॉब है, बहुत अच्छी जॉब होती है, और आप लोगों को FCI में जो आपके बहुत सारे काम होते हैं, FCI की बात कर लो, FCI में फूड कॉर्पोरेशन में अभी देखो कुछ वैकेंसी आई थी, बट इसमें भी बहुत सारी चीजें क्या होती है ना, कुछ तो FCI में क्या हुआ, प्राइवेट के अंदर चला गया, टेंडर पास हो जाता है कि नहीं भैया प्राइवेट, कुछ तो गवर्नमेंट सेक्टर में हुआ, रिटायर्ड जो हुए उनका फिलिंग ही नहीं हुआ। तो 28,000 से लेकर 28,063 वैकेंसी खत्म कर दिया गया भैया, बाय बाय टाटा। ओके, बार एयर इंडिया की बात करो, एयर इंडिया में आप लोग बहुत सारे इंप्लॉयज आते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, PSUs में जाना चाहते हैं, यहां से भी वैकेंसी खत्म हुई डे डे बाई 27,985 वैकेंसी, ठीक है, ये हो गई। उसके बाद मैं बात करूं अगला जो वैकेंसी है, ONGC PSUs की सबसे बड़ी कंपनी है, महारत्ना कंपनी, और इसमें पूरे ऑयल की कमान यही संभालती है हर जगह, IOCL है, ONGC है। तो इसमें से आपको 20,000 से ज्यादा वैकेंसीज को निगलेक्ट कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया।
जाओ भैया, बाय बाय टाटा। टोटल नंबर वैकेंसीज की बात किया जाए 384,360 वैकेंसी खत्म कर दिया गया। ये कुछ पोस्टेज हैं, ये कुछ पोस्ट है गाइस, ये कुछ पोस्ट है, कुछ कंपनियां हैं जो इसमें खत्म हुई। और भी मैं कंपनियों के बारे में बात कर लेता हूं, जो आपको मैं डिटेल बारे में बात कर लेता हूं, ठीक है। तो बात किया जाए और भी जैसे कंपनियां, मैं बात करता हूं अभी, देखो सबसे बड़ी एग्जांपल है, मैं बात करूं रेलवे, रेलवेज की बात कर लेता हूँ। रेलवेज में बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं। मैं बात करूं देखो ग्रुप डी की वैकेंसीज होती हैं, ग्रुप डी की, उसके बाद ग्रुप सी की वैकेंसीज होती हैं। ग्रुप डी में आप जैसे से आपके बहुत सारे, ग्रुप सी में जैसे सीनियर सेक्शन इंजीनियर, आरआरबी जेई, एनटीपीसी, लोको पायलट, सेफ्टी, इन सारे वैकेंसीज़ को ऑलमोस्ट धीरे धीरे खत्म कर दिया गया है। और इसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज कट हो गई हैं जो आपको देखने को ही नहीं मिलेगी फ्यूचर में। कहां चला गया है? इनके हाथों, प्राइवेट वालों के हाथों। प्राइवेट क्या, तो इसलिए वैकेंसी देखोगे रेलवे में 2018 के बाद वैकेंसीज नहीं आए। ऐसे इसके बीच ऐसा नहीं है कि रिटायर नहीं लोग हुए हैं, रिटायर हुए हैं, ठीक है, और चीजें हैं, रिटायर्ड हुए बट आरआरबी जेई बहुत सारी वैकेंसीज आपको निकाल दिए गए हैं, मतलब भगा दिया जाता है। ये तो भाई सेंट्रल की जॉब की बात है, सेंट्रल जॉब में बहुत सारी है, सेंट्रल में जितनी जॉब होती है वो ऐसा हाल है। और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां है सेंट्रल में जो आपकी वैकेंसीज ही बहुत ज्यादा दे। देखो मेन मैं बात करूं, मेन रीजन क्या है इसके पीछे, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस। देखो मैं कुछ चीजें और बताऊंगा, जो डिटेल बताऊंगा, पूरा मत मानिएगा गवर्नमेंट सेक्टर वालों, जो प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब करते हैं। देखो कुछ पॉइंट है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो कुछ पॉइंट है मैं बता देता हूं। पहले नंबर तो गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि कंपनी जो भी है गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट में हो, प्रॉफिट में हो, परसेंटेज वाइज प्रॉफिट में हो। तो पहला नंबर तो ये चाहती है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है मैं बता दूं, जितने भी गवर्नमेंट इंप्लाई होते हैं, गवर्नमेंट इंप्लाई होते हैं, मैं कुछ ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सबको मैं बोल रहा हूं, कुछ गवर्नमेंट इंप्लाई होते हैं, कुछ गवर्नमेंट इंप्लाई होते हैं वो टोटली टोटली काम नहीं करते हैं। मैं सच बताऊं टोटली काम नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, जो काम उनको दिया जाता है, जो काम दिया जाता है ना वो काम नहीं करते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं, मान लीजिए SBI बैंक ले लो और HDFC बैंक ले लो, एक आपकी PSUs है और एक है आपकी प्राइवेट बैंक है। SBI बैंक में जाओगे, एक अकाउंट खुलाना है, एक अकाउंट खुलाना है, खासकर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको अकाउंट खुलाने में कम से कम 5 से 10 दिन दौड़ाते हैं, दौड़ाते। KYC कराना है 5 से 10, कोई भी छोटी छोटी काम करना है तो 5 से 10 दिन, तुरंत इंस्टेंट नहीं करते हैं। और देखो इंप्लॉय है, ऐसा नहीं कि इंप्लॉय नहीं है, बट यहाँ की इंप्लॉई को की गलती है, इसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता। प्राइवेट में जाओ तो इंस्टेंट हर काम हो जाता है, इसीलिए गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि प्राइवेटाइजेशन, कि प्राइवेटाइजेशन होगा, लोगों का काम होगा और अच्छा काम होगा, गवर्नमेंट को प्रॉफिट होगी। ये कुछ रीजनों की वजह से गवर्नमेंट टोटली चाहती है कि नहीं। बट मैं ये भी चाहता हूं कि यार गवर्नमेंट जो इंप्लॉई ऐसा करता है क्यों प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन से लोग पब्लिक को भी नुकसान है। मान लो आप प्राइवेटाइजेशन कर देते हो, रेल का प्राइवेटाइजेशन कर दोगे, रेल में प्राइवेटाइजेशन करोगे, रेल का टिकट बढ़ जाएगा तेजी से, तो कैसे लोग पे कर पाएंगे भैया। तो मान लो तुम आप ऑयल का तेल कर देते हो, ऑयल में प्राइवेटाइजेशन कर देते हो, ये भी बढ़ जाएगा। हॉस्पिटल प्राइवेटाइजेशन कर दो, अभी हॉस्पिटल प्राइवेटाइजेशन वो भी तो आपकी इलाज के रेट बढ़ जाएंगे, इलाज कैसे करा पाओगे। तो ये सारी चीजें हो, गवर्नमेंट को हर तरीकों से सोचना पड़ेगा कि यार कैसे कम मौका देना है। इसीलिए लोग गवर्नमेंट डिक्रीज भी वैकेंसीज कर रही है, अपनी फोकस कर रही है कि आपकी जो स्ट्रेंथ कम कर रही है, आपकी इंप्लॉय स्ट्रेंथ कम कर रही है और काम गवर्नमेंट इंप्लॉयों को बढ़ा रहे। रेलवेज की कहानी बताऊं, रेलवेज में आप जेई वाले जाओगे ना, जेई लेवल पे जाते हो ना, इतना काम होता है, इतना काम होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ग्रुप डी वाले की बात करूं, ग्रुप डी की जो रेलवेज की वैकेंसीज होती है ना, बहुत सारे लोगों का मेल मैसेज आ रहा, नहीं सर मैं रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी जॉब नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बहुत काम है, इतनी धूप में इतनी ज्यादा काम है होती है कि जो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो ये सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है और चीजों को इसीलिए निकाल रही है, डाल रही है, निकाल रही है, डाल रही है, बस यही काम है। बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।